प्रदेश में दूसरे चरण के मतदान को लेकर कांग्रेस की ओर से पूरी तैयारी कर ली गई है। पीसीसी में कार्यरत वॉर रूम प्रदेश के पूरे मतदान पर पैनी नजर रखेगा और जिसके लिए पीसीसी में पूरी टीम कार्य कर रही है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पीसीसी पहुंचकर वॉर रूम का जायजा लिया है, पूरी टीम को दिशा निर्देश भी दिए हैं और इस दौरान मीडिया से रूबरू होते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि चुनाव का पहला चरण भी कांग्रेस के लिए अच्छा रहा है और दूसरे चरण का मतदान भी कांग्रेस के पक्ष में होगा, क्योंकि पूरे देश में मोदी के खिलाफ अंडर करंट माहौल है। गहलोत ने कहा कि मोदी जी व्यक्तिगत आरोपों पर उतर आए हैं, उनके पास 5 साल की उपलब्धियां गिनाने को कुछ भी नहीं है। गहलोत ने साथ ही कहा कि हमने चुनाव की ऐसी रणनीति बनाई है और इससे बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं को राजस्थान में आकर डेरा डालना पड़ा। इस दौरान सीएम अशोक गहलोत ने प्रधानमंत्री मोदी के बयान को दुर्भाग्यपूर्ण बताया और साथ ही कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी पर इस तरह के आरोप लगाना देश का दुर्भाग्य है। देश में मोदी के खिलाफ अंडर करंट का माहौल है, ऐसा कहा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने और साथ ही कहा कि राजीव गांधी पर पीएम के बयान को लेकर पलटवार किया है, राफेल मुद्दे को लेकर मोदी सरकार पर हमला किया है। और सफाया हो जाएगा इन लोगों का, खूब झूठ बोले हैं, खूब जुमलेबाजी करी है, झूठे वादे किए हैं और अब ये बफर की बात करने लग गए हैं। तो आप समझ सकते हो कि मोदी जी के जो भाषण सुनेंगे आप राजस्थान के, जो वो आए 3-4 दिन, उन भाषणों में झलक मिलती है जो व्यक्तिगत आरोप लगाने लग गए हैं राहुल जी के बारे में भी, बफर को लेकर के भी, मुख्यमंत्री राजस्थान के बारे में भी। उससे लगता है वो इतने बुखला गए हार से और हम लोगों ने जो हमारी स्ट्रेटजी थी इस प्रकार से बनाई जिससे कि ये तमाम नेता राजस्थान में आके ये राजस्थान में